सुमा जी कैसे हो? सुनने में आया कि सबका गेम लैग हो रहा है, ठीक है? तो यार तुम लोग को कुछ स्टेप बताता हूँ जो तुम्हारा लैग का जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम अपने फोन को अभी आईफोन में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें झेलना होगा ही। और जो मैं तुम्हें स्टेप बताने वाला हूँ, तो आज 3 स्टेप है टोटल। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप वही करना इनके पास पीसी हो, टाइम हो और वो 18+ हो। मैं इसलिए बोला कि अगर तुम छोटे हो गए ना, कुछ भी दिक्कत आएगी तुम फंस जाओगे। तुम्हारे पास पीसी होना चाहिए, पीसी नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। ये फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए है। और जो बेसिकली डेडिकेटेड ये वीडियो है वो 3rd स्टेप के लिए है। तो पहले जो स्टेप है, पहला स्टेप तुम लोग का ये है कि अपने फ़ोन में कस्टम रोम डाल लो, मतलब एक अलग से रोम जो तुम्हारे बेस वेंडर से अलग होगी। जैसे मेरा फ़ोन जो है वो MI पे बेस्ड है, MIUI पे बेस्ड है, तो मैंने उसको रोम चेंज करके डर्प नेस्ट कर दिया है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें अलग से आ जाती हैं। सबसे पहले डॉल्बी आ जाता है जो मेरे को अच्छा खासा साउंड देता है, गेमिंग मोड आ जाता है, स्टेबिलाइजेशन मोड आ जाता है, और साथ में FPS काउंटर के साथ बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इवन जो मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका भी एक नया डिज़ाइन है, मेरा जो एनिमेशन है उसका अलग डिज़ाइन है, और इवन मेरा फ़ोन फास्ट है, कोई बूट लोडर नहीं है, मतलब हमारी का कोई भी ऐप नहीं है, ना कोई ऐड आता है। वो इस तरह से तो अपना एक कस्टम रोम डाल सकते हो। और मैं बात करूँ गेमिंग रोम की, जो मेरे पास अभी रोम है वो गेमिंग के लिए नहीं है, मैं बस ऐसे नॉर्मली इसको डाल दिया था क्योंकि इसमें एनिमेशन था, डॉल्बी था और इंटरनल साउंड था, इसलिए मैं इसको डाला था। अब बात करूँ गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है एक्सपीरियंस रोम, एक्सपीरियंस OS या फिर एवोल्यूशन OS, ये सब रोम को तुम डाल सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, तो इसके लिए तुम्हारे फ़ोन में रूट होना चाहिए। रूट है तो मैजिक मॉड्यूल से तुम गेमिंग मोड डाल सकते हो, अलग अलग कर्नल फ्लैश कर सकते हो, इवन कुछ जिप फ्लैश करके तुम अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे कहा कि रूट और कस्टम रोम में तुम्हें पीसी होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने फ़ोन को रूट करोगे तभी चीज़ें कर पाओगे, और तुम्हें कस्टम रोम के लिए भी पीसी चाहिए होता है, क्योंकि तुम अगर तुम रिकवरी डालोगे तभी सब काम हो पाएगा। अब चलते हैं मेन स्टेप जो कि अपना 3rd स्टेप है, जो कि सबके लिए। तो अभी से 1 साल पहले मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था। अब सैमसंग के फ़ोन से समझ जाओ कैसी परफॉर्मेंस होगी उसकी, 10-12 FPS, लैग, ओवरहीटिंग सब कुछ था। तो उस समय मेरे को एक एप्लीकेशन मिला था जो बेसिकली मैंने क्रोम से पायरेट करके डाउनलोड किया था, उसका प्रो वर्जन, ठीक है? तो उसमें क्या था कि मेरे परफॉर्मेंस अराउंड 1.5 गुना हो गया था। मतलब पहले मेरे 10 FPS आते थे, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद 20-25 FPS तक मिल जाते थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे परफॉर्मेंस एकदम 100% इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारे 10 FPS आते हैं तो एकदम 60 FPS हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। और ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना कि तुम्हारा फ़ोन एकदम सुपर डुपर हो जाएगा। और कुछ बंदे ये भी बोल लेते हैं मेरे से कि मेरे पास 4GB रैम है, 6GB रैम है, तो एक बात समझ जाओ, रैम का खेल कुछ नहीं, यहाँ पे मेन चीज़ होता है तुम्हारा प्रोसेसर, वही तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। 4GB रैम इज़ मोर देन इनफ फॉर गेम्स, गेम्स के लिए 4GB रैम बहुत ज़्यादा होती है। तुम समझ जाओ जब PC में GTA 5 चल सकता है 4GB रैम में, जो कि एक 70GB का गेम है, तो मोबाइल में क्या उम्मीद करोगे तुम, 2GB का गेम ना चले? 4GB रैम इज मोर देन इनफ। लेकिन जो लोग मल्टीटास्क करते हैं उनके लिए चाहिए होता है 8GB 10GB रैम। अब तुम मल्टीटास्क तो करोगे नहीं कि एक साथ PUBG भी खोल लियो, फ्री फायर भी खोल लियो, COD भी खोल लियो, तो 4GB रैम इज मोर देन इनफ। मेन चीज़ होता है प्रोसेसर का खेल, तुम्हारा प्रोसेसर अगर 715 है चाहे 665 है। अब ऐसे में बात करूँ तो नोट 5 प्रो में भी 6GB या फिर 8GB का वेरियंट आता था उस समय, उसमें क्या चलेगा हाई पे, वेरी हाई पे नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, मेन चीज़ होता है प्रोसेसर। अब भाई नीचे एप्लीकेशन इसको कैसे इंस्टॉल करना है देख लो, क्योंकि तुम्हें एक रोम पे मिलने नहीं वाला, तुम डायरेक्ट जाओगे तो फंस जाओगे। मैंने इसको लक्की पैचर से बनाया है। तो सबसे पहले तुम्हें एक एप्लीकेशन मिलेगा एक्सप्लिट इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? फिर ब्राउज करना जो तुम्हारी सेकेंड फाइल है जिसमें लिखा होगा angry.apks, उसको वहां जाके इंस्टॉल कर। कर लो काम खत्म, इसको ओपन करो। GFX टूल पे मत जाना, वो पबजी के लिए खाली है, COD के लिए नहीं है। नीचे जाना कन्फिग पे, वहाँ पे अल्ट्रा बूस्ट कॉल कर देना और ऑटो बूस्ट को ऑन कर देना। फिर जाना वापस गेम में, COD को ऐड करना और बूस्ट कर देना, और नीचे कमेंट में लिखना कि ये सही में बूस्ट करता है या फिर नहीं करता, ताकि लोगों को पता चले कि काम करता है या नहीं करता है। मैं इसका प्ले स्टोर का भी लिंक देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बाय किया था, बाय करके तुम लोग को दे रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन सही में अच्छा था और काम किया था, मेरे को सस्ते मिल गया था, 20 रुपये में प्ले स्टोर पे एक ऑफर आया था, अभी का मेरे को नहीं पता है।
बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, और जो बंदे पुराने एक बार नोटिफिकेशन बेल को चेक कर लेना, नोटिफिकेशन आता नहीं है। चलो मिलता हूँ यार।